भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन दोनों ही टीम के बल्लेबाज एकदम पस्त नजर आ रहे हैं। पहले दिन स्पिनर्स ने इस कदर कहर बरपाया कि किसी भी टीम का बल्लेबाज ज़्यादा देर मैदान पर टिकी नहीं पाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 109 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स मैथ्यू कुनेमैन ने 5, नेथन लियोन ने 3 और टॉड मर्फी ने 1 विकेट लिया। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर ही सिमट गई। वहीं अब भारत की दूसरी पारी चल रही है, जिसके बाद भारत को 113 रन के स्कोर पर अब तक 5वां झटका लग चुका है। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर 27 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस ने चेतेश्वर पुजारा के साथ 5वें विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी निभाई। फिलहाल क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और श्रीकर भरत मौजूद है। अब देखना यह होगा कि यह मैच आज ही के दिन समाप्त हो जाता है या फिर ये कल तक चलता है। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7।